हेयर फॉल बहुत लोगों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। वैसे तो बाल झड़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये जब अधिक हो जाए तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे हेयर फॉल से जुड़ी प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों को। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहें। हेयर फॉल के पीछे कई रीजन हो सकता है। आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा खान पान। ऐसा देखा गया है कि अधिकतर जिनके बाल झड़ जाते हैं उनके अंदर प्रोटीन, विटामिन या मिनरल्स की कमी होती है। ऐसे लोग जो पोषक चीज़ें नहीं खाते, अधिकतर उनमें ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी बाल झड़ते हैं, ये बात साइंटिफिकली प्रूव है। और साथ ही साथ हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे थायराइड हार्मोन की कमी और कुछ बीमारी की वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। एलोपेशिया एरेटा एक ऐसी कंडीशन होता है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे हेयर फॉलिकल सेल्स पे अटैक करने लग जाते हैं, इससे भी हमारा हेयर फॉल होता है। अब तक बात हुई प्रॉब्लम की, अब बात करेंगे सोल्यूशन की। हेयर लॉस ट्रीटमेंट आप क्लिनिकल भी कर सकते हैं और घरेलू उपाय से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू उपाय की। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप जब भी घर से बाहर निकले तो हेलमेट या कैप लगा कर निकलें, जिससे आपका हेयर हीट, पॉल्यूशन और डस्ट से बचा रहे। और अपने हेयर को हमेशा साफ रखें। अगर आपके हेयर छोटे हैं तो ज़रूरत होने पर डेली शैम्पू करें, और अगर आपके हेयर लेंथी हैं तो हर दूसरे दिन शैम्पू करें। और शैम्पू करने से पहले अपने बालों की जड़ों में कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल लगाकर अपने स्कैल्प का अच्छे से मालिश करें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाए। बाल धोने के बाद जब तक आपका बाल अच्छे से ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए, कंघी ना करे, नहीं तो आपके बाल ज़्यादा टूटेंगे। और जब बाल सूख जाए तो अच्छे से कॉम्ब करें। कॉम्ब करने से भी बाल मजबूत होते हैं। और अपने बालों को ज़्यादा टाइटली न बांधे, इससे भी हेयर फॉल हो सकता है। इन सब के अलावा बाहर का खाना न खाएं। अपने डाइट में हाई प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स वाली चीज़ को ऐड करें। अब बात करते हैं क्लिनिकल ट्रीटमेंट की। हेयर फॉल के कंडीशन में डॉक्टर्स मिनोक्सिडिल सिरप लगाने को कहते हैं। इसके अलावा कई थेरेपी भी रिकमेंड किया जाता है, जैसे स्टेम सेल थेरेपी, मीसोथेरेपी और लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी फेमस है। वीडियो को एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो बेस्ट है कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। धन्यवाद।